मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल और उनके पति विधायक रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में धारा 353 के तहत एक और मामला दर्ज। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 10 और शिवसैनिकों को गिरफ्तार किया। अब तक 16 शिवसैनिकों की गिरफ्तारी। हमले की शिकायत को लेकर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। किरीट सुमैया ने कहा, मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, जरूरत पड़ी तो केंद्र भी हस्तक्षेप करेगा। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहां जाएगी। बीजेपी नेताओं के दिल्ली जाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा, महाराष्ट्र में अगर आपको दिक्कत है तो सीएम से मिलें, केंद्र जाने की क्या जरूरत। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृहमंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए, लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो। गृह सचिव से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एसआईटी से मामले की जांच की मांग की है। कहा, केंद्र की स्पेशल टीम मुंबई भेजी जानी चाहिए। दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात के बाद किरीट सोमैया का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा, मैं ठाकरे परिवार के घोटाले की पोल खोल रहा हूं, इसीलिए मुझ पर हमले हो रहे हैं। ठाकरे एक मोस्ट घोटालेबाज परिवार सिद्ध हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, उसके कारण उनको अभी डर पैदा हो गया है। वो डर की दवाई तो किरीट सोमैया नहीं दे सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी किरीट सोमैया पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यह पत्र लिखा गया है। नवनीत राणा के बहाने बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। राजद्रोह की धारा लगाने पर बीजेपी ने उठाए हैं सवाल। हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। उनके कंधे पर बंदूक रखकर सब राजनीति बीजेपी कर रही है, सबको मालूम। हम तो कहते हैं, अगर आपको आपका हमारा कोई। राणा दंपति पर राजद्रोह के मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, ओछे प्रचार के लिए बीजेपी राजनीतिक ड्रामा कर रही है। वही भाजपा की सरकार चारों तरफ आग लगा रही है, कभी हनुमान चालीसा के नाम पे, कभी प्रदर्शन करने के नाम पे। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर चालीसा पाठ करने की अनुमति मांगी। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की इजाजत मांगी। हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर हिंदू सेना ने पोस्टर लगाया, लिखा, टारगेट पर हिंदू त्योहार, चुप है गांधी परिवार। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। कल दोनों समुदाय ने मिलकर निकाली थी तिरंगा यात्रा। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय ने साथ मिलकर दिया था एकता का संदेश। महाराष्ट्र के अमरावती में शिवसेना नेता योगेश गरड़ को अपराधियों ने गोली मारी। अस्पताल में चल रहा है इलाज, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 1 गिरफ्तार। बिहार एनडीए में बिखराव की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता वशिष्ठ नारायण का बड़ा बयान। कहा, 17 सालों का रिश्ता आसानी से नहीं टूटने वाला।
हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर, सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा कर रहे हैं। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 60 सीट में से 58 सीट पर बीजेपी और सहयोगी दल एजीपी का कब्जा, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। आजम खान से नहीं मिल पाए एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा, आजम खान ने बीमार होने के कारण मिलने से इनकार किया, अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं आजम। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा पार्टी आजम खान के साथ है, उनसे कोई नाराजगी नहीं, उनके जमानत के लिए करेंगे कोशिश। यूपी के अमेठी में अखिलेश यादव ने आत्महत्या करने वाली महिला दारोगा के परिजनों से मुलाकात की, योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा थाने में बैठे सीएम की जाति के लोग अन्याय कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया प्रियंका का नाम, यस बैंक के को फाउंडर का दावा, एमएफ हुसैन की 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने का गांधी परिवार ने बनाया था दबाव, बीजेपी ने मांगा हिस्सा। प्रियंका वाड्रा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर्व मंत्रियों से कि राणा कपूर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदे। 2010 का ट्रांजैक्शन, 2022 आज 12 वर्ष बाद आप इसको भुना रहे हैं गोदी मीडिया के थ्रू। ₹143 वस्तुओं की जीएसटी बढ़ाने का कांग्रेस ने किया विरोध, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मजाक बताया, राज्य और केंद्र स्तर पर विरोध की कही बात। इस बार जो प्रस्तावित है मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है, या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। ₹370 हटने के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देशभर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, आशा पारेख, जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार स्पेशल ऑनर दिया गया। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। पीएम मोदी आज दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन चीफ गेस्ट होंगे। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उद्घाटन किया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन पर पीएम मोदी का संदेश, पीएम ने कहा अब देश में नए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स स्थापित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने मेगा योग प्रभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हुआ कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका में हिस्सा लिया, 400वें प्रकाश पर्व पर हुआ ये कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी आशीष पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप। लखीमपुर हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का डेलीगेशन लखीमपुर पहुंचा, जेल में बंद किसानों को लेकर अधिकारियों के साथ हो रही है बैठक। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत पर आज असम में कोकराझार कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पाहू इलाके में लश्कर के डिप्टी कमांडर आरिफ हजार समेत 3 आतंकवादी मारे गए, इंस्पेक्टर परवेज और एसआई अरशद की हत्या में शामिल था आरिफ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।